हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। जैसा कि आपको मैं कुछ ही दिन पहले बताया था कि PFRDA में वैकेंसीज आने वाले हैं, और देखिए आप लोगों के लिए वैकेंसी आ भी गया। ओके, तो जो मैं जानकारी आपको देता हूं वो बिल्कुल परफेक्ट जानकारी देता हूं। ओके, आप मेरा यूट्यूब पे देख लो, 3-4 दिन पहले ही मैं एक वीडियो डाला था कि PFRDA में वैकेंसीज आएगा, और इसमें वैकेंसीज जो रहेगा वो जनरल एज वेल एज फाइनेंस के लिए भी वैकेंसीज रहने वाला है। ओके, तो मैं कुछ ही दिन पहले बताया था और वैकेंसीज आ भी गया। ओके, 3-4 दिन पहले भी मैं एक वीडियो डाला था, वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं बताया था। ठीक है, तो PFRDA में वैकेंसी है और बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। तो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है इस एग्जामिनेशन के लिए। आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर दिस। ओके, सो PFRDA के लिए मैं ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर दिया हूँ और बहुत सारे लोगों ने परचेस कर भी लिया। ठीक है, जो कि मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि मेरा जो मैं जो बताता हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट बताता हूँ। जो मुझे जानकारी मिलता है वो बिल्कुल परफेक्ट मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मेरा कोर्स परचेस भी किया है और सेवी ग्रेड ए के लिए भी बैच चालू है। ठीक है, तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करिए himanshurajanclasses.in। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, तो विजिट करिए, वहां से कोर्स परचेस करिए। ठीक है, PFRDA और जो सीवी ग्रेड ए का जो सिलेबस का बात किया जाए तो सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, सिलेबस का बात किया जाए तो लगभग सेम है। तो आप लोगों के लिए इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम मिलता है कि आपको एक ही तरह का सिलेबस पर हो और दो दो एग्जाम में आपका काम आ जाए। ओके, तो PFRDA के लिए तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है, सेबी ग्रेड ए का भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसका भी एग्जामिनेशन आपको सेबी का आपका एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी में हो जाएगा, और PFRDA का आपका एग्जामिनेशन आप रख सकते हो कि आपका इसका एग्जामिनेशन अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्जामिनेशन इसका हो सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में इसका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में इसका एग्जामिनेशन फेज वन का हो जाएगा। ठीक है, तो बात किया जाए, अभी तो आपके पास प्रिपरेशन करने का टाइम बहुत ही कम है, तो आप अभी अगर वीडियो देख रहे हो तो अभी से आपको सोचना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। एक काम और करिए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी मिलते रहेगा और एक PDF भी आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, और मेरा वेबसाइट विजिट करिए, वहां पे कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो कोर्स परचेस करना है तो वेबसाइट पे जाइए। मैं पूरा इंडिया में सबसे मतलब बोलिए तो मिनिमम कॉस्ट पे मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे मैं 2999 में पूरा कोर्स आपको कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ MCQ चाहिए तो वो आपको मात्र 999 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, तो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए, PFRDA वैकेंसी है। ठीक है, रिक्रूटमेंट है इसमें, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी है यहाँ पे। ओके, जैसा कि मैं आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि जनरल फाइनेंस का भी वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, जनरल का भी, फाइनेंस का भी, तो यहाँ पे भी आया। देखिए, जनरल का भी है, फाइनेंस का भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है, रिसर्च, मतलब और भी लोगों का है। ठीक है, पर हम लोग फाइनेंस और जनरल, जो जनरल वाले हैं और फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले हैं, तो उन लोगों के लिए हम बात करेंगे और हम उन्हीं लोगों को पढ़ाते भी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट का बात किया जाए, इंपॉर्टेंट डेट फॉर दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या आपको याद रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए स्टार्ट कब से हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी 15/9/2022 से स्टार्ट होने वाला है, 7/10 तक इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर phase 1 and phase 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ PFRDA वेबसाइट पर विजिट करिएगा। ठीक है, विल बी इंटीमेटेड, आपको मेल या फिर SMS से बता दिया जाएगा। ठीक है, फेज वन का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा विल बी इंटीमेटेड, वेबसाइट पर बता दिया जाएगा, फेज टू भी बता दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको phase 3 जो इंटरव्यू है विल बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट सक्सेसफुली इन phase 2। ओके, तो ये सब था जनरल जानकारी कि फॉर्म का फिलअप डेट कब से स्टार्ट है और कब तक फॉर्म भर सकते हो, कभी एग्जामिनेशन होगा, एवरीथिंग। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि स्ट्रीम कौन कौन सा स्ट्रीम में वैकेंसीज आया है और नंबर ऑफ पोस्ट कितना है वैकेंसीज का। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है एंड व्हाट विल बी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
सबसे पहला बात है कि बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा है, इफ यू आर फ्रेशर देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। ओके, देखिए स्ट्रीम में देखिए, पहला जनरल स्ट्रीम में देखिए, हम जनरल और फाइनेंस एंड अकाउंट्स का हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हम जनरल और फाइनेंस अकाउंट्स का प्रिपरेशन करवाएंगे आपको, ठीक है। जनरल में देखिए एससी का 3 वैकेंसी है, एसटी का 1 वैकेंसी है, ओबीसी 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व जनरल का 4 वैकेंसी है, ठीक है। एक यहां पे भी है, ठीक है। टोटल पोस्ट है 15, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा है आज ऑन, ये देख लीजिएगा, 31 जुलाई 2022 तक आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आपको एकदम सेम टू सेम इसी तरह का आपका क्वालिफिकेशन सेबी में भी मांगता है, और इसका जो सिलेबस होता है ना पीएफआरडीए का सिलेबस भी लगभग सेम रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो मास्टर डिग्री आपको मांग रहा है यहाँ पे, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आप किसी भी चीज में मास्टर डिग्री किए हो देन यू आर एलिजिबल। बैचलर डिग्री आप किए हैं लॉ में देन यू आर एलिजिबल, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। या फिर आप सीए हो, या फिर आप सीएस हो, या फिर सीएमए हो, ठीक है, या फिर सीएफए हो, ठीक है, सीएस सीएस सीएमए सीएफए वाले भी एलिजिबल है। ओके, तो यहाँ पे एलिजिबल कौन कौन है, जो भी लोग मास्टर डिग्री किए वो एलिजिबल है, जो भी लोग बैचलर डिग्री किए लॉ में वो एलिजिबल है, और जो बैचलर डिग्री किए इंजीनियरिंग में वो भी एलिजिबल है, और फिर उसके बाद सीएस सीएस सीएमए और सीएफए वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ इतने लोग एलिजिबल है जनरल वाले के, जनरल का जो पोस्ट निकला उसके लिए, ठीक है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में देखिए कौन कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का बात किया जाए तो 2 वैकेंसी है। यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो मांगा ग्रेजुएशन फॉर अमेरिका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ साथ सीए होना चाहिए और सीएस होना चाहिए और सीएमए होना चाहिए। ओके, सीए सीएस या फिर सीएमए कुछ भी होगा चलेगा, ठीक है। ये हो गया फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। ओके, आगे देखिए, यहां पे देख लीजिए एज लिमिट जो रखा गया है, एज लिमिट आज ऑन 31 जुलाई 2022 का, 31 जुलाई 2022 तक देखा जाएगा, ठीक है। आपका जो एज लिमिट है वो 31/7/2022 तक देखा जाएगा। ए कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीड द एज ऑफ 30 ईयर, 30 साल तक जो है वही एलिजिबल होंगे यहाँ पे, उनका एज लिमिट, जिनका एज 30 साल या उससे नीचे वो एलिजिबल है। ए कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीड, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब 30 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1992। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलता हूँ, और जो भी आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है एज पर कास्ट कैटेगरी वाइज वो आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है, तो आप देख लीजिएगा आप कौन सा कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से। ओके, मोड ऑफ सिलेक्शन का देख लीजिए क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका जो 3 स्टेज यहाँ पे एग्जाम होगा, मतलब कि 2 एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, फेस 1 फेस 2। ओके, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। फेस 1 आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग किया जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 2 पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स ईच का होगा, ठीक है। फेस 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, 100 मार्क्स ईच, और फेस 3 जो होने वाला है वो आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फेस 1 का बात किया जाए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पर जो पेपर 1 है ऑल स्ट्रीम, ओके, ऑल स्ट्रीम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सबका, उसको भी स्ट्रीम के लिए फॉर्म भरोगे तो ये पेपर तो आपका सबके लिए रहेगा, इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ रीजनिंग जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, तो ये सब देख लीजिए, ये सबसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 80 रहेगा, ठीक है, टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएगा। पेपर 2 का बात किया जाए जनरल स्ट्रीम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्ट कॉमर्स से रहेगा, अकाउंटेंसी से रहेगा, मैनेजमेंट से रहेगा, फाइनेंस से रहेगा, पोस्टिंग से रहेगा, कंपनी एक्ट से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, पेंशन सेक्टर से रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का, यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेगा ना, क्वेश्चन यहाँ पर 50 ही रहेगा, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 50 ही रहेगा, क्वेश्चन यहाँ पे 50 ही रहने वाला है, ओके, पर यहाँ पे जो मार्क्स है वो 100 रहने वाला है, दैट मीन्स कि 1 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा वेटेज दिया गया है हर एक क्वेश्चन का, तो आप समझ सकते हो कि अगर एक क्वेश्चन का वेटेज अगर 2 मार्क्स है
तो क्वेश्चन भी उसी लेवल का रहेगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि क्वेश्चन का एक लेवल रहेगा, दो मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट मीन्स कि कुछ लेवल तो उसका रहेगा। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन बेहतर करना तो आप मेरा कोर्स परचेस करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है तो वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पे कोर्सेस अवेलेबल है मात्र 2,999 रुपया में, फुल कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, फुल कोर्स का प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, योग्य जनरल स्ट्रीम का 40 मिनट्स इसके लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग यहां पे होने वाला है, वन फोर्थ यहां पे नेगेटिव मार्किंग होने वाला है पेपर वन एंड पेपर टू फेस वन में। ठीक है, कैंडिडेट वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ, सेपरेट कट ऑफ लाना पड़ेगा ईच पेपर एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स इन फेस वन टू शॉर्टलिस्टेड इन फेस टू। ठीक है, ये लिखा है कि सेपरेट कट ऑफ होना चाहिए फेस वन में हर एक पेपर में। ठीक है, ईच पेपर में, ठीक है, सेपरेट कट ऑफ होना चाहिए। पर मैं जैसा बता दूं, पिछले साल का जो एग्जामिनेशन हुआ था पीएफआरडीए में, तो ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे लोगों ने फेस वन को पास कर करके उनको फेस टू में किए थे। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों ने पास किया था फेस वन और फेस टू में गए थे, और बहुत सारे लोगों को फिर से मौका मिला था। क्योंकि क्या है ना, फेस वन जो है वो बस आपको पास करना है। ठीक है, उसका वेटेज आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें नहीं आता है, फेस टू का मेरिट लिस्ट में जाता है और फेस थ्री जो इंटरव्यू होता है वो जाता है। ठीक है, तो आपको बस मिनिमम एक मार्क्स लाना होता है ताकि आप फेस टू में जा सको और उसका एग्जामिनेशन बेहतर दे सको। ठीक है, तो इसका क्या है, पर आपको मेहनत स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो फेस वन का और फेस टू का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। जिसका फेस वन स्ट्रांग रहेगा उसका फेस टू भी स्ट्रांग रहेगा, इतना पता होना चाहिए आपको। तो फेस वन को ही आप अच्छा स्ट्रांग करो ताकि आपका फेस टू ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, द मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फेस टू विल बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी। ओके, मार्क्स ऑब्टेंड इन फेस वन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट। ओके, शॉर्टलिस्ट करने के लिए सिर्फ फेस वन का मार्क्स को यूज किया जाएगा एंड विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। जैसे कि बता दिया आपको, जो फेस वन का जो मार्क्स रहेगा वो आपको बस शॉर्टलिस्टिंग के लिए किया जाएगा, पर जो फेस टू होगा और जो इंटरव्यू होगा वही आपका मेरिट लिस्ट में उसका मार्क्स काउंट होता है। ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड द डेट एंड टाइम ऑफ फेस टू, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मेल कॉल लेटर से जैसे भी हो, लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट विल आल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ पीएफआरडीए। ओके, तो ये हो गया फेस वन के लिए। अब आइए देखिए फेस टू में आपका एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है। ए बी एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, ऑल स्ट्रीम के लिए इंग्लिश रहेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है इंग्लिश का। नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात किया जाए तो तीन रहेगा, थ्री क्वेश्चन रहेगा। 100 मार्क्स का होने वाला है, 60 मिनट्स दिया जाएगा। फेस टू जनरल स्ट्रीम, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, कॉमर्स अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फाइनेंस कॉस्टिंग कंपनी एक्ट इकोनॉमिक्स पेंशन सेक्टर। इससे आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन रहेगा, 40 मिनट आपको दिया जाएगा। ओके, तो आप इसका प्रिपरेशन, जनरल स्ट्रीम वाले का प्रिपरेशन आप मेरा कोर्स परचेस करिए, मेरा कोर्स परचेस करिए, उससे आप अपना प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, himansurajanclasses.in। ओके, himansurajanclasses.in। ओके, मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पे आपको ये जो फुल कोर्स है आपको मात्र 2,999 में मिल रहा है। ठीक है, फुल कोर्स आपको मात्र 2,999 में मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू चाहिए, तो वो आपको 999 रुपया में मिल रहा है। तो गो एंड चेक माय वेबसाइट mansurajanclasses.in, आपको वहां से पूरा जानकारी मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने परचेस भी किया है। ठीक है, तो बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए करिए, क्योंकि इतना मिनिमम कोस्ट में आपको पूरा इंडिया में कोई नहीं पढ़ा रहा है। सब लोग आप देखो कितना कितना चार्ज कर रहा है, 10,000 15,000 चार्ज कर रहा है बस ये सिलेबस के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर एक मिनिमम कोस्ट रखना चाहिए ताकि सब लोग अफोर्ड कर सके और अपना पढ़ाई कर सके।
ठीक है, तो यही सोच करके मैं एक ऐसा प्राइस रखा कि सब लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, 2,999 रुपया फुल कोर्स के लिए, ताकि सब लोग पढ़ाई भी करें, ठीक है। और आगे देखिए फेज 3, जो कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है जो फेज 2 में अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा उसी को फेज 3 जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पे स्केल देखिए, पे स्केल क्या है यहाँ पे, ऑफिसर ग्रेड ए 44,500 से आपका जो बेसिक है वो स्टार्ट होगा, उसके बाद वो बढ़ते रहेगा जो बढ़ता है, ठीक है। और ये देख लीजिएगा यहाँ पे पेमेंट तो अच्छा खासा मिलता है, आपको ये पता होना चाहिए, ये सब जॉब बहुत ही अच्छा जॉब में आता है, ठीक है। फेस वन का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ है सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बस थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम से, ठीक है। अप्लीकेशन का देख लीजिए यहाँ पे, अप्लीकेशन कम इंटीमेशन फीस देख लीजिए, फॉर्म आप जब फॉर्म भरोगे तो कितना लगेगा यहाँ पे, अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे फीस लगने वाला है 1,000, ठीक है। SC ST PWD वुमेन के लिए कुछ भी यहाँ पे फीस देने का दरकार नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 1,000 रुपये अप्लीकेशन फीस लगने वाला है, ठीक है, आप देख लो। सो आई हैव डिस्कस एवरीथिंग, ओके, जो भी है मैं बता दिया। और चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसका सिलेबस के बारे में, जैसे कि आपको बताया इसका सिलेबस और सेबी ग्रेड ए का सिलेबस लगभग सेम रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं इसका सिलेबस से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो आपको बहुत ही जल्द मैं बताऊंगा, ठीक है, उसमें कि कैसे पढ़ाई करना है कैसे करना है सीख। तो आज बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस में है। सिलेबस 4 पेपर 2 फॉर जनरल स्ट्रीम, ठीक है, कॉमन सिलेबस रहने वाला है फॉर बोथ फेस, जैसे कि बताया आपको फेज 1 फेज 2 का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है आपका सिलेबस में, ठीक है, फिर मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, बिल्कुल सेम सिलेबस है उसका भी, एकदम सेम सिलेबस है सेबी ग्रेड ए का भी, ठीक है। कोस्टिंग हो गया, उसके बाद कंपनी एक्ट, फिर इकोनॉमिक्स, ये बस एक जो पोर्शन है ना पेंशन सेक्टर, ये जो पेंशन सेक्टर जो है ना ये PFRDA में थोड़ा सा अलग है, बोल सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा बोल सकते हो, ठीक है। तो सभी को मैं बता दूं कि इसका फुल कोर्स अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए mansoorianclasses.in, वहां पे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कैसे परचेस करना है एवरीथिंग, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है, mansoorianclasses.in। गो एंड चेक डिस्क्रिप्शन, वहां पे भी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था, जैसे कि मैं आपको बताया था कुछ ही दिन पहले, बताया था आपको 2 ही 3 दिन पहले बताया था कि इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाला है, और देखिए इसका नोटिफिकेशन आ भी गया। तो मैं जो जानकारी आपको पहुंचाता हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट होता है तभी मैं पहुंचाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए और इंपॉर्टेंट इस तरह का प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि PFRDA का वैकेंसी बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, इसका जो आपका जो जॉब है वो बहुत ही अच्छा जॉब होता है, ठीक है। सेबी ग्रेड ए का भी बहुत अच्छा होता है और सिलेबस लगभग सेम रहता है सेबी ग्रेड ए PFRDA, तो आप एक एग्जाम का भी अगर प्रिपरेशन कर लेते हो तो और आपका दोनों जो एग्जामिनेशन है PFRDA उसके बाद आपका सेबी ग्रेड ए एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, ठीक है। तो अब एक इसका तो नोटिफिकेशन आ भी गया, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन उसका भी आपको कुछ ही दिनों में आ भी जाएगा, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही, ठीक है। तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, एक बार पढ़ाई करिए, आपको दोनों एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। जो सिलेबस है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे पढ़ना, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दैट वीडियो, ओके। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करिए, ठीक
मैं बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस ले रहा हूँ फुल कोर्स के लिए, ठीक है। तो आप फुल कोर्स परचेस करने की वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे हमेशा आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलते रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जानकारी हमेशा मिलेगा इस पे, ठीक है। सो थैंक यू।